मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने घंटाघर के पास परेड ग्राउंड पर होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को लेकर बनाए जा रहे मंच का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परेड ग्राउंड में मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि सब प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं, उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, आईजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल, जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी एवं अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।